बताया ही कि इरफान खान के गुजरने की 24 घंटे के अंदर ऋषि कपूर और फिर ऋषि कपूर के बाद कुलमीत मक्कर की गुजरने की खबर आई है आज सुबह, और इसी के साथ साथ कुलमीत मक्कर के गुजरने के बाद फिल्म इंडस्ट्री को सदमा लगा ही था कि अब स्पोर्ट्स जगत के बड़े दिग्गज के गुजरने की खबर आई है। जी हाँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, बंगाल के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और आइकॉनिक स्पोर्ट्स पर्सन चुन्नी गोस्वामी की हम बात कर रहे हैं। कुलमीत मक्कर के बाद, ऋषि कपूर के बाद अब चुन्नू गोस्वामी के गुजरने की खबर आ गई है। बता दें, उन्होंने साल 1956 से लेकर साल 1964 तक 50 मैच खेली थी, तो वहीं उन्होंने एक बेहतरीन फुटबॉलर के तौर पर भी काम किया। बताना चाहेंगे, उनकी एक पत्नी और एक बच्चे के साथ उनकी जिंदगी गुजरी है, एक बेटे के साथ। सुदीप तो उनके बेटे का नाम है और पत्नी बसंती का। 82 साल के थे वो जो हॉस्पिटल में आखिरी सांस लेकर हमेशा के लिए हम सबसे दूर चले गए। बताना चाहेंगे हम आपको, इसी के साथ कुलमीत मक्कर की तरह ही चुन्नी गोस्वामी को भी कार्डिक अरेस्ट आया था। एशियन गेम्स गोल्ड विनिंग टीम के वो कैप्टन रह चुके थे साल 1962 में, जिन्हें लेजेंडरी फुटबॉलर तो कहा ही जाता है। ऐसे में इस दुख की घड़ी में वाकई में समझना मुश्किल है कि कैसे हिंदुस्तान खुद को संभाले, जनता कैसे चाहने वाले, कैसे स्पोर्ट्स के इन खिलाड़ी और स्पोर्ट्स जगत के इन बड़े दिग्गज को और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े दिग्गजों की गुजर जाने के गम में खुद को संभाले। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।